हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद आकांक्षा में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड से मिठाई। इस मिठाई का नाम है ब्रेड मलाई रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। तो मैंने एक गिलास दूध लिया है, एक गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही है। इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। इस दूध का हमको मावा बनाना है, तो इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो पहले मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा था, मैंने तेज़ कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पिसा हुआ, ऐड कर देंगे। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम 4 चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे इसमें मीठा करने के लिए। तो मैंने चीनी ऐड कर ली है और इसका गाढ़ा मावा तैयार करना है। उसके बाद और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लिया, 1/2 चम्मच। अच्छे से इसको गाढ़ा कर लेंगे मिला के। तो देखिए हमारा मावा जो है बनने वाला है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये बन के रेडी हो गया है। तो हमारा मावा जो है रेडी हो गया है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो इसी कढ़ाई में मैंने एक गिलास दूध और डाला है। इसको हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, मावा नहीं बनाना है, बस हल्का सा गाढ़ा करना है। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो दूध को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें हमने इलायची पाउडर डाला 1/2 चम्मच। फिर मैंने थोड़ा सा दूध मिला के केसर रखा था, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे। तो गाढ़ा गाढ़ा इसको दूध को तैयार कर लेंगे हम। तो बस दूध जो हमारा है रेडी होने वाला है। ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है मिठाई और फटाफट बन भी जाती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो आप लोग भी हमारे तरीके से एक बार ट्राई करिए। तो दूध हमारा गरम हो चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं गैस को। तब फिर मैंने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड का जो ब्लैक पार्ट है उसको निकाल देंगे साइड से। तो सारी ब्रेड का हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो मैंने निकाल दिया है इसका पार्ट, देखिए सारी ब्रेड मैंने ऐसे ही तैयार कर ली हैं। फिर हल्का सा बेल लेंगे इसको बेलन से, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है। तो मैंने इसको बेल लिया है। उसके बाद जो मैंने मावा तैयार करके रखा था इसमें लगा देंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से मैंने लगा दिया इसमें। उसके बाद हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे, इसका रोल बना लेंगे। हल्के हाथ से बनाना है रोल, बहुत आसानी से बन जाते हैं फटाफट। तो देखिए मैंने रोल तैयार कर लिया है। अगर आप पानी नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा मावा भी लगा सकते हैं आगे। तो मैंने रोल सारे ऐसे ही बना के तैयार कर लिए हैं। तो मैंने एक बर्तन लिया है, सारे रोल हम इसमें एक एक करके लगा देंगे, सेट कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो सारे मैंने एक एक करके लगा लिए हैं। उसके ऊपर से मैंने जो केसर वाला दूध गाढ़ा सा बनाया था वो ठंडा हो चुका है उधर, तो उसको रोल के ऊपर ये सारा दूध डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको हम ठंडा करके भी खा सकते हैं और गरम गरम भी खा सकते हैं। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 2 मिनट के लिए। ठंडे होने के बाद देखिए हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। तो ब्रेड मलाई रोल रेडी है। आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को,
और एक बार आप लोग भी ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।